सब्सक्राइब करें कुकिंग विद अनीता को और नए रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। हेलो, नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अनीता में। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के साथ छेने की रसभरी बनाऊंगी। मैंने घर में ही छेना निकाला है और ये इस मिठाई को बनाई है। इसका बनाने का तरीका भी बहुत आसान है और झटपट मिठाई ये बन भी जाती है। कोई गेस्ट आने वाले हो या कोई त्योहार आ रहा हो तो चलो क्या बनाएंगे, झटपट आप ये इस मिठाई को आप बना सकते हैं। तो चलिए हमारे किचन में मिलकर बनाते हैं इस छेने की रसभरी को। रसभरी बनाने के लिए देखिए कि मैंने ये 1 लीटर दूध लिया है और ये अच्छा थोड़ा सा फैट वाला दूध है ये, और इसे मैंने उबलने के लिए रख दिया है। लेकिन रसभरी बनाने के लिए इसे फाड़ना पड़ेगा, तो जब ये उबलने लग जाएगा तभी फाड़ेंगे इसे। तो इसे फाड़ने के लिए मैंने ये है ना टाटी, जिसको साइट्रिक एसिड बोलते हैं, ये 1/4 स्पून मैंने लिया है, टी स्पून लिया है, और इसमें आप 2-3 चम्मच पानी डाल दें बस, और इसे घुलने दें। और जब तक ये दूध उबल रहा है तब तक ये घुल भी जाएगा, फिर ये दूध को फाड़ेंगे। तो चलिए दूध उबलने देते हैं। तो देखिए ये दूध उबलने लग गया, अब इसे कलछी से ऐसे चला दें और करीब 30-35 सेकंड इसे और उबालें। और उबलते समय मैं ये खाने वाला कलर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे रसभरी बनाना है, थोड़ा कलरफुल अच्छा लगता है। तो देखिए 1 मिनट हो गए, अब मैं ये जो टाटरी को जो मैंने गलाया था ना सेटिकट, उसे भी धीरे धीरे डालूंगी और आप एक ही साइड इसे चलाएं, ऐसे यूं चलाते रहें। ये धीरे धीरे दूध अपने आप फट जाएगा, और इस तरह से जो दूध फटते हैं ना वो उसके रसभरी या रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। तो देखिए ये दूध फटने लग गया, आप देख रहे हैं ना, इस तरह से दूध फटने लग गया। बस इसे एक ही साइड में यूं ही 20-25 सेकंड आप चलाते रहें, 1 मिनट और ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद इसके पानी, मतलब ये जो फट गया ना दूध, तो इसके पानी को निकालेंगे। तो देखिए अब इस तरह की छन्नी में मैं छान लूंगी। अगर आप चाहें तो कोई मसलिन क्लॉथ ले लें, उसके ऊपर भी बिछा करके आप ऐसे करके इसके पानी को निकाल सकते हैं। मैं इसमें निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से ये पूरा निकल गया। बस आप निकलने के बाद इस पे है ना थोड़ा सा ठंडा पानी डालें, इसलिए ठंडा पानी डालें कि वो जो एक तो अच्छा ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है, और दूसरी बात कि ये जो मैंने टाटरी डाला था ना तो उसका खटास निकल जाए। तो आप पूरे एक गिलास पूरा पानी आप डाल दें, इसे अच्छी तरह से धो दें। तो देखिए ये पनीर अब ये ठंडा हो गया, ये छेना, अब इसे हटाते हैं और मैं इसे मिक्सी में चला दूंगी। मिक्सी में चला कर देखिएगा बनाकर, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे रसगुल्ले या रसभरी या छेना में कुछ भी बनाना हो बहुत अच्छे बनते हैं। अब चलिए इसे चला लेते हैं मिक्सी को, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए कितना स्मूथ हो गया, बिल्कुल देखिए बिल्कुल ऐसा। तो देखिए ये तैयार हो गया, ऐसे छोटी छोटी इसकी पेड़े बना ले, छोटी छोटी गोलियां ले लें और इसको हल्का सा हाथ दबा करके इस तरह से दोनों हाथ से इसको गोल गोल इस तरह से बनाए। देखिए देखिए ये कितना अच्छा सा गोल सा बन गया ना। तो देखिए ये सारी गोलियां तैयार हो गई। अब मैं इसको बिल्कुल पतली चाशनी में उबालूंगी, तो चलिए चाशनी तैयार करते हैं थोड़ा ही। तो इसका चाशनी बनाने के लिए देखिए मैंने ये थोड़ा चौड़ा बर्तन लिया है, इस तरह से चौड़ा बर्तन लें, और मैं इसके लिए फुल भर करके बिल्कुल ऊपर तक यूं मैं 1 कटोरी शक्कर ली हूँ। अब गैस मैं ऑन कर दे रही हूँ और अभी तो हाई फ्लेम पे ही रखूंगी, और जिस कटोरी से आपने शक्कर लिया है उसी कटोरी से मैं इसमें 3 कटोरी पानी डालूंगी और इसे
लगातार चलाते रहिए। तो देखिए इसमें अब उबाल आने लग गया, शक्कर सारे पिघल चुके हैं। क्योंकि मैं रसभरी बना रही हूँ तो इसमें मैं ये केसरिया कलर डालूंगी, खाने वाला कलर है ये। और अगर आप केसर डालना चाहते हैं तो केसर के धागे भी, चार पांच धागे आप डाल। तो बस इसमें उबाल आने देते हैं। तो देखिए ये अच्छी तरह से उबलने लग गया। अब जो है मैं ये वाली सारी गोलियां मैं इसमें डाल दूंगी। बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैंने इसे उबाला था ना, अब आप मीडियम फ्लेम पे गैस को कर दें और एक एक गोली को आहिस्ते आहिस्ते इसमें डाल दें और इसे थोड़ा सा आप ढक दें, ढक ढक करके पकाएं और 10 से 15 मिनट आप इसे उबलने दें। आप ऐसे ढक कर तो देखिए ये 10 मिनट हो गए और ये कितने अच्छे थोड़े से फूले फूले से बड़े बड़े हो गए नहीं है, देखिए। बस इन्हें हल्के हाथ से ऐसे चला दीजिए और मैं इसे 10 मिनट और ढक ढक कर पकाती हूँ और फिर इसे ढक दें। तो इस तरह से कम 20 से 25 मिनट आप ऐसे ही इन्हें पकाएं। 15 मिनट हो गए, अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर मिलाऊंगी। ये देखिए ये अभी तो बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्ज सा दिख रहा है ना ये, बिल्कुल ये। तो अगर आप इतना ही स्पॉन्ज ही खाना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं तो हल्का सा कड़क, हल्का सा बिल्कुल स्लाइट, थोड़ा हल्का सा चीठा रसभरी अच्छा लगता है, कि ऊपर से तो सूखा दिखे और अंदर रस हो। तो मैं वैसा बनाना चाहती हूँ तो बिल्कुल इसे 5 से 7 मिनट और पकाती हूँ। 25 मिनट मैंने इसे इसमें पकाया और ये अब हल्के से स्लाइट से हार्ड भी हो गए हैं और हमारा रसभरी बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये हल्का सा हार्ड भी हो गया है और इसके अंदर रस भी अच्छे से आ गया है। बस इसे मैं 5 मिनट बिल्कुल खुले में और थोड़ा पका लेती हूँ। 5 मिनट और मैंने पका लिया और इसमें हल्की सी चाशनी, देखिए ये गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है ना बिल्कुल। अब बस अब ये तैयार है, आपको यूं दिखने से लग जाएगा, देखिए ऐसे चाशनी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी दिखेगी। गैस बंद कर देने के बाद आज आप इसमें 4-5 बूंद गुलाब जल डाल दें। अब इसे मैं 5 मिनट और ढक के छोड़ देती हूँ और जब यह थोड़े से हल्के से ठंडे हो जाएंगे तो मैं फिर इन्हें इस बर्तन से निकालूंगी। तो देखिए ये हमारा रसभरी तैयार हो गया, बिल्कुल ऊपर से इस तरह से सूखा सूखा और अंदर से बिल्कुल रस भरा हुआ। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए ये अंदर में तो रस भरे हुए हैं और ऊपर से ये सूखा सूखा। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं और फिर मुझे बताएं ये कैसा लगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।